नमस्कार स्वागत है आप सभी का का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वक्त तो चला लाइव जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार महीने बाद वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं वहां वो वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की सौगात वाराणसी को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे करीब चार महीने बाद उनका यह दौरा हो रहा है करीब घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में ही रहेंगे पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास नजर आ रहा है और भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रहे काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी के हाथों मिलने वाली सौगात के बदले बनारस के सूरत में चार चांद लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक के लिहाज से बेहद ही खास है विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को रिटर्न गिफ्ट देंगे 7 जुलाई को पीएम मोदी के 1812 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं की सौगात देंगे इनमें 1220 करोड़ रुपए की तेरह योजनाओं का शिलान्यास और पाँच करोड़ रुपये की बत्तीस योजनाओं को लोकार्पण शामिल है मौजूदा हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि पीएम मोदी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही रचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को दोपहर में करीब 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और शाम सवा छह बजे वहां से रवाना हो जाएंगे पीएम सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देश भर की शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे इस दौरान तेरह योजनाओं का शिलान्यास और बत्तीस योजनाओं का लोकार्पण करेंगे एल कॉलेज परिसर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से बने आधुनिक के केंद्र किचन का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे इस बार के वाराणसी दौरे में पीएमओ के हाथों से लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले योजनाओं से काशी की मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा इनमें सड़क बिजली पानी सिवर पर्यटन धार्मिक पर्यटन आदि शामिल हैं पी के हाथों से मिलने वाली इन सौगातों में काशी का मान और बढ़ेगा तो ब्रिटेन में बात करेंगे पंजाब सरकार की पंजाब सरकार ने अपने किए वादों पर मोहर लगा दी है आपको बता दें कि पंजाब में अब जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी पंजाब में बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई इस दौरान मंत्रिमंडल में हर महीने 300 फ्री यूनिट बिजली देने पर मोहर लगा दी गई इस बारे में सीएम भगवत मान ने जानकारी दी दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया था इसके बाद भगवंत मान ने सरकार में अपने इस वादे पर मोहर लगा दी है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब की जनता को हमने एक बड़ी गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे सरकार के इस फैसले पर बुधवार कैबिनेट की में मोहर लग चुकी है अब हर बिल पर छः यूनिट बिजली माफ़ होगी हम पंजाब की जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे हम जो कहते हैं वो करते हैं इस तरीके का ट्वीट खुद मान ने अपने ट्विटर हैंडल से किया प्रदेश सरकार के इस फैसले से सूबे की जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी दरअसल पंजाब में हर दो महीने में बिजली का बिल आता है लिहाजा इस बार इस बिल पर 600 यूनिट बिजली हर जनता की माफ होगी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने पहले बजट में इस बात का ऐलान कर दिया था कि राज्य में एक जुलाई से मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा मतलब सूबे की जनता को एक जुलाई से हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है हाल ही में पंजाब के भगवंत मान के नेतृत्व में वाली सरकार ने प्रदेश के बजट में मुफ्त बिजली के लिए बजट का प्रावधान भी किया था सरकार की ओर से हर परिवार को हर दो महीने में छः यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका था सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार ने भी यह साफ़ किया कि 600 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने पर सामान्य वर्ग के लोगों को पूरे देश पूरे बिल का भुगतान करना होगा हालांकि अन्य वर्गों में के लिए इसमें भी राहत का प्रावधान सरकार ने किया है सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के लोग अगर छः यूनिट से ज़्यादा बिजली उपभोग करते हैं तो उन्हें 600 यूनिट के बाद जितनी यूनिट अधिक होगी केवल उतनी यूनिट के बिल का ही भुगतान करना होगा तो पंजाब के सीएम मान अपनी दूसरी शादी रचाने को तैयार में हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह से वो शादी रचाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं उनकी शादी गुरुवार को चंडीगढ़ में होगी भगव भगवत मान डॉक्टर गुरुप्रीत कौर से शादी करने जा रहे हैं भगवत मान की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे भगवत मान अड़तालीस साल के हैं वे दूसरी शादी करने जा रहे हैं भगवत मान का अपनी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो चुका है उनके दो बच्चे भी हैं जो कि भगवत मान की पहली पत्नी के साथ अमेरिका में ही रहते हैं बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में भगवत मान की शादी का आयोजन होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत बहुत खास लोग शामिल होंगे कॉमेडियन से राजनेता बने भगवत मान दो में पहली बार संगरूर से सांसद बने थे तब उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर ने उनके प्रचार में नज़र आई थी हालांकि दोनों साल 2015 में तलाक दे चुके हैं भगवत मान ने 2019 में भी संगरूर से चुनाव जीता लेकिन 2022 में वे आपकी ओर से पंजाब के सीएम उम्मीदवार बने उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला भगवत मान ने 16 मार्च 2022 किसके पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली भगवत मान ने कहा था कि वह राजनीति की वजह से परिवार को समय नहीं दे नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनकी पत्नी से उन उन्होंने दूरी बना ली है इतना ही नहीं तलाक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की भी लिखी थी इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पंजाब को अपने परिवार से ऊपर चुना है राजनीति के लिए वह अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं इस ट्वीट के बाद अब दूसरी बार दूल्हा बनेंगे भगवत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से इस दूसरी बार भगवत मान शादी जाएंगे तो टीएमसी सांसद महुआ मुत्रा पर भोपाल में एफ दर्ज की गई है और कोलकाता में भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठने लगी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर मां काली का अपमान करने का आरोप लगाया है साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है ये शिकायत कोलकाता और महुआ मोहित्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर क्रिष्न, में दर्ज कराई गई है उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में महुआ मोहित्रा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में एफ दर्ज कराई गई है दरअसल महुआ मोहित्रा मंगलवार को इंडिया टूडे कॉन्क्लेव ईस्ट दो बाईस में शामिल हुई थी इस दौरान उन्होंने काली के पोस्टर को लेकर जारी विवाद पर कहा था कि काली के कई रूप हैं मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं हालांकि टीएमसी ने इस बयान से दूरी बना ली थी और इसकी निंदा भी की थी अब इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कई राज्यों से उठ रही हैं खुद कोलकाता में उनके संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर से उनको गिरफ्तारी की मांग उठी है और मध्य प्रदेश में भोपाल से उनको लेकर एफ दर्ज की जा की जा चुकी है बंगाल बीजेपी ने महुआ के इस बयान पर मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के नेता कोलकाता के रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है इसमें कहा गया है कि महुआ मोहित्रा ने एक कार्यक्रम में काली को लेकर कहा कि काली मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं मोहित्रा ने जानबूझ हमारे धर्म और धार्मिक मान्यता के बारे में ये बयान दिया है शिकायत में आगे कहा गया है कि ऐसे में मऊआ मोहित्रा का बयान स्थिति को और बिगाड़ सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है मऊआ मोहित्रा का बयान व्यावहारिक रूप से धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है ऐसे में मऊआ के खिलाफ एक ए और उन एक सौ ए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए तो बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र की करेंगे महाराष्ट्र में नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या कर दी गई है उनके सिर पर गोली मारी गई जिसके बाद उनकी हत्या को अंजाम दिया गया महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को बड़ी वारदात हुई यहाँ के के ओला कस्बे में मुस्लिम समुदाय के एक धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस ने बताया कि 35 साल के मृतक की पहचान ख्वाजा सैयद चश्ती के रूप में हुई है उन्हें ये ओला में सूफी बाबा के नाम से भी जाना जाता है हालांकि अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है अफगानिस्तान के रहने वाले थे सूफी बाबा पुलिस ने बताया कि ख्वाजा सैयद चुस्ती अफगानिस्तान के रहने वाले थे हालांकि वह नासिक में रह रहे थे हमलावरों ने उनके सर पर गोली मारी है जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को चार हमलावरों ने अंजाम दिया मौके से उनकी एक्स यूवी को जब्त कर लिया गया है हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है और लगातार दबिश की जा रही है इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि सूफी बाबा की हत्या संपत्ति विवाद के कारण हुई है पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने बताया कि मृतक पाकिस्तान के शरणार्थी के रूप में भारत आए थे वह चार साल पहले भारत आए थे और भारत सरकार ने उसे एक शरणार्थी पास और देश में रहने के लिए दो साल का वीजा दिया था पुलिस ने बताया कि मृतक का अपना यूट्यूब चैनल भी था जिसके बाद भारत और विदेशों में फॉलोअर्स भी थे अधिकारी ने कहा कि उनके चैनल की से भी आमदनी हो रही थी और अब इसको लेकर ही आपसी रंजिश को लेकर उनकी हत्या कर दी गई है दी गुरु। महाराष्ट्र के सीएम एक नाथ सिंधे ने महाविकास आघाड़ी को लेकर अब अपना गुट खोल दिया है और लगातार महाविकास आघाड़ी पर वह हमले करते जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 50 विधायकों के, के सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ने के लिए किसी भी शख्स के पास बड़ा कारण होना चाहिए पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें कांग्रेस और शिवसेना घटक थे हिंदुत्व तो वीर सावरकर या मुंबई धमाकों पर अंडर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने से चूकती रही है शिंदे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लिया है महाविकास अगाड़ी की वजह से दाऊद पर कोई फैसला नहीं किया गया सीएम सिंधे ने कहा कि शिवसेना बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था और सरकार अब बन चुकी है कांग्रेस एनसीपी के साथ उन्होंने ये सरकार बनाई थी इसके बाद इसके कारण जब भी हिंदुत्व के मुद्दे आए या दाऊद का मुद्दा आया मुंबई बम ब्लास्ट का मुद्दा हो या कई मुद्दे जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं हमें को, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे शिंदे ने एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें इस साल फरवरी में ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसकी गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था दाऊद इमराई उन्नीस सौ में मुंबई में हुए बम धमाकों के मुख्य आरोपी हैं जिनमें दो लोग मारे गए थे ईडी ने मई में मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी शिवसेना के एमएलए को सत्ता का डर सता रहा था सिंधे ने खुद इस बयान में बताया सिंधे ने बताया कि उन्होंने कई बार चर्चा की कि महाविकास आघाड़ी में जो हम बैठे हैं इससे हमें फायदा नहीं नुकसान ही है हमारे विधायक चिंतित हैं कि कल चुनाव कैसे लड़े जाएंगे नगर पंचायत चुनाव में हम चार नंबर पर पहुंच चुके थे मतलब सरकार का फायदा शिवसेना को नहीं हो रहा था ऐसे में हमें कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत थी जब हम चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की विकास को लेकर अपेक्षा होती है लेकिन हमारे विधायक काम नहीं कर पा रहे थे और फंड की कमी थी हमने इस बारे में हमारे वरिष्ठ से बात की लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली इसलिए हमारे चालीस से पचास विधायकों ने ये भूमिका ली फिर हम लोग कोई भी गैरकानूनी काम नहीं कर रहे लोकशाही में कानून के नियम हैं उसी के मुताबिक काम करना पड़ता है आज हमारे पास बहुमत है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे खिलाफ जो लोग गए थे उन्हें भी कोर्ट ने फटकार लगाई है इसके बाद एक नाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़े दिल वाला बताया उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला लेकिन जब पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हैं और मेरे जैसे बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया मैं पीएम नरेंद्र मोदी का केंद्रित केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ बता दें कि किसी ने भी इस बयान की कल्पना नहीं की थी कि एक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा खुद एक शिंदे सीएम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह बयान करके देवेंद्र फडणवीस को बड़े तेल वाला बताया लेकिन शिवसेना के मुख्य पत्र सामना अखबार के जरिए शिंदे सरकार पर हमला बोला गया है सामने में कहा गया है कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार उधारी का माल है इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि मराठी मानुस को कमजोर करा देगी ये सरकार और राज्य के तीन टुकड़े कर देगी ये आने नई सरकार एक शिंदे को लेकर अब शिवसेना के मुख्य पत्र सामना अखबार के जरिए उन पर हमला किया गया है ब्रिटेन में बात अब कनाडा की कर लेते हैं जहां सिखों की द, सौ सिखों गार्डो की नौकरी चली गई है आपको बता दें कि कनाडा में दाढ़ी के कारण इन सौ सिख गार्डों की नौकरी जली गई है क्लीन सेव पॉलिसी का पालन ना करने को चलते लेकर उनकी नौकरी जा चुकी है कनाडा के टोरंटो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे सौ सिख गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया है स्थानीय मीडिया के मुताबिक इन सिक्योरिटी गार्डो को शहर की क्लीन सेव पॉलिसी का पालन ना करने के चलते नौकरी से हाथ घंवाना पड़ा है चौंकाने वाली बात यह भी है कि टोरेंटो में क्लीन सेव पॉलिसी इसीलिए लाई गई है ताकि लोगों को एन मास्क ठीक से पहना जा सके वही शहर प्रशासन की ओर से बाद में कहा गया है कि जिन लोगों को इस पॉलिसी की वजह से नौकरी से बाहर किया गया है उन्हें बहाल किया जाए कनाडा में कोरोना को देखते हुए इस साल जनवरी में क्लीन सेव पॉलिसी लॉन्च की गई थी इसके मुताबिक कर्मचारियों को क्लीन सेव रखने का आदेश दिया गया था ताकि वह एन नाइन्टी फाइव मास्क ठीक से पहन सके कनाडा के विश्व सिख संगठन ने कहा कि शहर की नीति के चलते सिख सुरक्षा गार्डों का बहिष्कार किया जा रहा है कि और किया गया है जो अपने विश्वास के सिद्धांत के चलते बालों को बिना काटे रहते हैं उन्होंने कहा कि इस नियम को 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के बाद लागू किया गया था ये ऐसे समय पर लागू किया गया था जब देश के बाकी हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी जा रही थी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि शहर के अन्य स्थलों पर कर्मचारियों और कामगारों के लिए क्लीन सेव नीति को लागू नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि सिख कर्मचारियों को विकल्प दिया गया है कि उन्हें किसी और जगहों पर ट्रांसफर किया जा सकता है जहां यह नियम लागू नहीं है लेकिन इसके लिए उन्हें कम वेतन दी जाएगी संगठन के मुताबिक कई कर्मचारी जो सुपरवाइजर या मैनेजर थे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है ब्रिटेन के आखिरी में बात सऊदी अरब की कर लेते हैं सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है बता दें कि सऊदी अरब में मंत्रिमंडल में ये बदलाव किया गया है जहां दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में दिए अहम पद दिए गए हैं महिले। महिला महिला अधिकारों के क्षेत्र में अब सऊदी अरब का ये बड़ा फैसला सामने आया है महिला अधिकारों के दमन को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के निशाने पर रहने वाले मुस्लिम देश सऊदी अरब ने हाल ही के सालों में महिलाओं के लिए कई सुधार किए हैं अब सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने महिलाओं को मंत्री परिषद में जगह देनी शुरू कर दी है सऊदी ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में बदलाव के दौरान दो महिलाओं हाइफा बिन्त मोहम्मद और शियाना अलजाज़ को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया है किंग सलमान ने राजकुमारी हाइफा बिन्त मोहम्मद को सऊदी अरब का पर्यटन उपम उप और सिहाना अलजाज़ को मंत्री परिषद के उप महासचिव के पद पर नियुक्त किया है रविवार को किंग सलमान की तरफ से शाही फरमान जारी कर इसकी घोषणा की गई अलजाज सऊदी अरब की वकील बनने वाली पहली महिलाओं में से एक थी उन्होंने ब्रिटेन के दुरहम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है वह सरकारी निवेश कोष में वकील के पद पर काम कर चुकी हैं फोर्ड्स मिडिल ईस्ट ने 2020 में अलजाज को सौ सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था वहीं राजकुमारी हाइफा सऊद की बात करें तो उन्होंने अमेरिका के न्यू हेवन विश्वविद्यालय में बिजनेस एड एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी लंदन बिजनेस स्कूल यूके में उन्होंने एमबीए भी किया था राजकुमारी हाइफा साल 2014 में स्थापित गैर लाभकारी संगठन ए एनवायरमेंट हब के संस्थापक सदस्यों में से एक भी रही हैं ये एन महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम करता है पर्यटन उपमंत्री होने के अलावा राजकुमारी हाइफा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पर्यटन विकास कोष और पर्यटन विकास परिषद के निदेशक मंडल में भी शामिल की गई हैं। सऊदी अरब के शाही गद्दी के दावेदार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं के अधिकारों महिलाओ के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं सऊदी अरब में पहले महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी इसे लेकर कई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद साल 2018 में सऊदी की महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत मिली थी हालांकि जिन महिलाओं ने ड्राइविंग के हक की लड़ाई लड़ी उनमें से कईयों को जेल में डाला गया था जिसे लेकर प्रिंस सलमान को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी सऊदी की महिलाओं को पहले बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी लेकिन अब सऊदी में सभी नागरिकों को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के काम का अधिकार मिल रहा है महिलाएं अपने काम और घर के पुरुषों के मर्जी के बगैर विदेश यात्रा नहीं कर सकती थी लेकिन 2019 में के बाद सऊदी ने महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के अनुमति के पासपोर्ट आवेदन करने की इजाजत दी है अब सऊदी की 21 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ए बी स्टार न्यूज़